हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी सीएसएल 2022 2022 की बात करें तो 4,500 के आसपास वैकेंसीज के साथ जो है वो सीएसएल का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है और वैकेंसीज जो है वो आगे आपकी इंक्रीज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि फॉर्म फिलअप के दौरान अगर हमसे कोई गलती हो गई है सीएसएल के फॉर्म में तो क्या होगा। हमने देखिए सीजीएल के टाइम पर देखा था कि बहुत से फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके फॉर्म में कोई गलती थी। तो सीजीएल के फॉर्म में अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानने की, खोजने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके कि अगर फॉर्म जो है उसमें कोई आपने गलती कर दी है तो आप कैसे उसको सुधार सकते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट जो है वो नोटिस पे लेके चलता हूँ। ये सीएसएल 2022 का नोटिस है, इसमें क्या कहा गया है। ये तो आपके फॉर्म फिलअप की डेट हो गई, उसके बाद एक मिनट ये ऊपर आ जाए। ये देखिए डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 9/1/2023 टू 10/1/2023 यानी 9 और 10 जनवरी को आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। आपने अगर फॉर्म फिल करने के दौरान कोई गलती कर दी है, कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 9 और 10 तारीख को करेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पुराना नोटिस दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आपका ये सीजीएल 2021 का ये नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या कहा गया देखिए। क्या है करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन डाटा, इसमें देखिए क्या कहा गया है, विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म द विंडो विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 डेट दी गई है। ड्यूरिंग द विंडो ए कैंडिडेट हु डिजायर्स टू मेक एनी चेंजेस इन हिज और हर एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एबल टू मेक चेंजेस इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा में भी कुछ चेंजेस बाकी है, जो कुछ चेंज आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीट एप्लीकेशन अलोंग विद पेमेंट ऑफ फी इफ एप्लीकेबल हैव बीन रिसीव्ड बाय द कमीशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो चेंजेस वही कर सकते हैं जिनका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो और फीस का पेमेंट अगर करना है तो वो भी हो चुका हो। नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पेमेंट नहीं किया तो वो नहीं कर सकते हैं। पेमेंट के साथ पूरा फॉर्म कंप्लीट है अगर तो ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इफ कैंडिडेट्स मेक मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो will be allowed to submit one more correction application after correction modification. No more correction, ये date दो, date कर कोई correction नहीं कर सकते हैं। Latest modified application will be treated as the valid one and the previous application submitted by such candidate will be cancelled. ठीक है, तो जो आपका latest होगा वही final माना जाएगा। The commission will levy a uniform correction charges of ₹200 for making correction and submitting modified corrected application for the first time and 500 for making correction and submitting modified corrected application for the second time. पहली बार correction करेंगे तो आपका जो है ₹200 charge लगेगा, दूसरी बार करने पे ₹500 आपको charges जो हैं वो यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, charges कैसे pay करने वो यहाँ पर दिया हुआ है, transaction charges है, before submission of the correction, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसको देख लीजिए। तो इस तरह से ये मैंने पुराना आपको जो है उसके एग्जाम्पल बताया। तो करेक्शन आप कर सकते हैं, करेक्शन लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में फॉर्म जो है वो पूरी तरह से फिल होके सबमिट हुआ हो, फी का पेमेंट हो गया हो,
तो आप अपना फॉर्म जो है करेक्ट कर सकते हैं, नया फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, फी पेमेंट नहीं हुआ था तो फी का पेमेंट नहीं कर सकते हैं और आप करेक्शन भी फिर नहीं कर पाएंगे। और डेट दी हुई तारीख जो है उन्हीं में आपको करेक्शन करना है। पहली बार करेक्शन करते हैं 200 रुपये लगेंगे, अगर फिर कोई गलती रह जाती है फिर से उसको करेक्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्ज जो है वो देना होगा। इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन कैसे करना है बता दिया, 9 और 10 जनवरी को आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहेगी, 9 और 10 जनवरी को करेक्शन आप कर सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है तो आप देखिए तैयारी जो है इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ कर सकते हैं। सीटीएसएल 2022 का पास जो है लॉन्च हो गया है जिसमें आपके लेटेस्ट पैटर्न जो है उस पर तैयारी होगी। इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स से आपको 15+ कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे जिसमें Tier 1, Tier 2 और बेस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज शामिल रहेंगे। आपको इंडिया के बेस्ट टीचर जैसे रिचा मैम, पुनीत सर, मोना मैम, इन सभी गाइडेंस में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, 1000+ लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको एक्सपर्ट्स की, 1100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100+ स्टडी नोट्स और सब कुछ बहुत ही किफ़ायती दाम में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 284 रुपीज़ का है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई में जाके 269 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अभी अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। तो ये था SSC CHSL में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करने का तरीका जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो और इस सेशन को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।